हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या 207 मिलियन है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ करेंट में ILO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो गाई राइटर हैं। इसके अलावा हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा हाल ही में बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नेविल सांगवी को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड कंपनी ने ओपन एंडेड सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम देव को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हाल ही में फेडरल बैंक और एक्वायरस हेल्थ ने अपने ग्राहकों के लिए US डॉलर ऑफशोर फंड लॉन्च किया है। इसके अलावा यहाँ पर फेडरल बैंक की बात हुई है तो हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1931 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर कोची में है। इसके साथ साथ करेंट में फेडरल बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो श्याम श्रीनिवासन जी हैं। इसके अलावा हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने स्टार्टअप लीप के विकास की घोषणा की है। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट चर्चा में रहा तो हम फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2007 में हुआ, जबकि इसके फाउंडर की बात करें तो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं वो सचिन बंसल और पिनी बंसल हैं। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अलावा करेंट में फ्लिपकार्ट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं। इसके अलावा हाल ही में पीपा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार पोलैंड के रॉबर्ट लेवनडॉस्की ने जीता है। अब यहाँ पर फीफा की बात हुई है तो हम यहाँ पर फीफा के बारे में बात करेंगे। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन 1904 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ फीफा के जो करेंट में प्रेजिडेंट है वो जियानी एनपेंटिनो हैं। इसके अलावा हाल ही में सेबी ने शादी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पर सेबी के द्वारा शादी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है तो हम यहाँ पर सेबी के बारे में बात करेंगे। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1988 को हुआ, जबकि ये पावर में 1992 से आया। इसके साथ साथ सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जबकि करेंट में सेबी के जो चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी हैं। इसके अलावा हाल ही में रॉबर्टा पेट्रोला यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी है। इसके अलावा हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शशांक गोयल को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ हाल ही में NDRF ने अपना 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। अब यहाँ पर NDRF के द्वारा 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया गया तो हम यहाँ पर NDRF के बारे में बात करेंगे। NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करेंट में NDRF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अतुल करवाल जी हैं। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन योजना के तहत भारत सरकार ने रेशों और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में 20 अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है। अब यहाँ पर टाटा पावर रिन्यूएबल कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू किया गया है तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, जबकि यहाँ पर करेंट में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदी बेन पटेल हैं।
इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोसुकी कैफो का निधन हुआ है। अब यहाँ पर जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोसुकी कैफो का निधन हुआ है तो हम यहाँ पर जापान के बारे में बात करेंगे। जापान की बात करें तो यह एक ईस्ट एशियन कंट्री है। इसके साथ साथ यह पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जापान की बात करें तो इसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल टोक्यो है, और जबकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर करेंट में फुमियो किशिदा। और इसकी करेंसी की बात करें तो जापान की जो करेंसी है वो जापानीज येन है। इसके अलावा हाल ही में भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट टेकिंग सिस्टम पावर मैप ऐप का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। इसके अलावा हाल ही में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में सुमित पाली ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ हाल ही में लैंडिंग कार्ड ने कैनरा बैंक के साथ भागीदारी की है। अब यहाँ पर कैनरा बैंक और लैंडिंग कार्ड के बीच आपस में पार्टनरशिप हुई है तो हम यहाँ पर कैनरा बैंक के बारे में भी बात करेंगे। कैनरा बैंक की बात करें तो इसे 1906 में एस्टेब्लिश किया गया, जबकि इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके साथ साथ करेंट में कैनरा बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं। इसके अलावा हाल ही में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने जही गेहूँ चावल और नाइजर फसलों की नई किस्में विकसित की हैं। इसके साथ साथ हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील प्लांट को पनडुब्बी बनाने के लिए स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भारतीय नौसेना से स्टील के उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। सेल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1954 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करेंट में सेल के जो चेयरमैन हैं वो सोमा मंडल जी हैं। इसके अलावा हाल ही में रूस की नौसेना ने भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया है। अब यहाँ पर रशिया की नौसेना के द्वारा भारत के साथ अरब सागर में पासिंग अभ्यास किया गया तो हम यहाँ पर रशिया के बारे में बात करेंगे। रशिया की बात करें तो उसकी कैपिटल मॉस्को है, जबकि यहाँ पर करेंट में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पर करेंसी की बात करें तो रशियन रूबल यहाँ पर करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकटें जारी की हैं। इसके अलावा हाल ही में क्यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल लक्ष्य सेन ने जीता है। इसके अलावा हाल ही में न्यू दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में नरेंद्र कुमार कायनक्का को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ हाल ही में नवी म्यूचुअल फंड ने नवी डिप्टी बैंक इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वनलाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वनलाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।